तो स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। गाइज, हम आपको आज बताएंगे कि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट है जो वित्तीय ईयर का कैसे चेक किया जाता है। मान लीजिए, अगर आपका अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना है 2017 का, 2018 का, 2019 का, 19-20 का सेशन अनुसार, फाइनेंशियल ईयर के अनुसार आपका अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं बार्मा टेक्स। चैनल पर आता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। SBI अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करने के लिए वित्तीय ईयर का हम SBI इंटरनेट बैंकिंग का आज मदद लेंगे। हम लॉगिन पे क्लिक करके हम अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो रहे हैं। हम इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं SBI का। अब हमें अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देखने के लिए थ्री पैरेलल लाइन पे क्लिक करना होगा। थ्री पैरेलल लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट स्टेटमेंट, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपका जो डिफॉल्ट अकाउंट है यहाँ से सेट हो गया है। जो आपका, मान लीजिए अगर आपके अकाउंट दो ठो है SBI में, तो आप जिन भी अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमें जो अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना है फाइनेंशियल ईयर के तहत। फाइनेंशियल ईयर वो होता है, देखिए देख 19-20, 20-21, 16-17, 18-19, हमको फाइनेंशियल ईयर का देखना है कि हम कितना ट्रांजेक्शन किए हैं, चाहे मेरे अकाउंट में पैसा कब आया, पैसा कब गया। तो सिंपल से हमें यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का एक ऑप्शन दिया, फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। सिंपल से हम इसी पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप किस ईयर फाइनेंशियल ईयर का अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। तो सिंपल से इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक कीजिएगा, अभी आपको देखने को मिल जाएगा 3 ईयर बैक का, 2017 से 18 का, 2018 से 19 का, 2019 से 20 का, आप इनका ट्रांजेक्शन देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का। चलिए, 2018 से 2019 का हमें फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन को देखना है। तो सिंपल से हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पे हम क्लिक करते हैं ऑप्शन टू व्यू एंड प्रिंट। आप इसको जो स्टेटमेंट देख रहे हैं इसको प्रिंट भी कर सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ से इसको व्यू पर क्लिक कर, यहाँ पर हम भी इसको हम देखना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF प्रूफ में, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड PDF फॉर्मेट। PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम इसको व्यू पर क्लिक करके अपना अकाउंट का स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ से आ चुका है। यहाँ से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 299 है। कहने का मतलब हम जो फाइनेंशियल ईयर के तहत ट्रांजेक्शन किए हैं, टोटल अकाउंट में मेरा 299 को है, इतना ट्रांजेक्शन का लिस्ट हमारे पास शो कर रहा है। यहाँ से देखिए डेट भी लिखा हुआ है कि आप किस डेट को ट्रांजेक्शन किए थे, डेट ऑफ वैल्यू, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, डे बाई यहाँ से डे शो कर रहा है 25 जून से। इसके बाद आप थोड़ा सा आपके अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ था, आप रिचार्ज किए थे, कुछ भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये जो पैसा ट्रांसफर किए थे जिनके अकाउंट में, इनके अकाउंट में शो भी कर रहा है। देखिए, यहाँ से हम पैसा जो ट्रांसफर किए थे उनके अकाउंट में नेम भी शो कर रहा है। यहाँ से शेष बैलेंस भी देख सकते हैं। सो इस तरीके से फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने SBI अकाउंट में घर बैठे अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं वित्तीय ईयर का, 2016-17-18-19-20 जितने भी फाइनेंशियल ईयर आपको लिस्ट बताए हुए हैं। इस तरह से वीडियो के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।